थे आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का 8 जनवरी को होगा ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्री ने रायसेन में वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। ड्राई रन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण। प्रदेश में कोविड 19 के लिए वैक्सीनेशन के पूर्व रिहर्सल के तौर पर तैयारियों को परखने के लिए 8 जनवरी को रायसेन सहित प्रदेश के 51 जिलों में ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने 8 जनवरी को ड्राई रन के लिए रायसेन में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने ड्राई रन के लिए वैक्सीन कैरियर से वैक्सीन को टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाना, टीकाकरण तथा इस दौरान कोविड 19 टीकाकरण के सभी प्रोटोकॉल का पालन किए जाने के संबंध में निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने बताया कि रायसेन सहित प्रदेश के सभी 52 जिलों में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश में कोविड 19 के लिए वैक्सीनेशन के पूर्व रिहर्सल के तौर पर तैयारियों को परखने के लिए भोपाल में 2 जनवरी के सफल आयोजन के बाद अब 8 जनवरी को प्रदेश के शेष सभी 51 जिलों में ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 4 स्थानों भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में कोल्ड चैन स्टोर तैयार किया गया है। पहले इन स्टोर में स्वीकृत वैक्सीन का भंडारण होगा। यहां से वैक्सीन को संभाग से जिलों और जिलों से पीएचसी में बनाए गए कोल्ड चेन स्टोर में भेजा जाएगा। यहां से वैक्सीन सीधे टीकाकरण केंद्र पर पहुंचाई जाएगी, जहां पर पहले से रजिस्टर्ड व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने बताया कि पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर का टीकाकरण होगा। प्रदेश में ऐसे हेल्थ वर्कर की संख्या 4 लाख है। इनको कोविड प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर किया गया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जिस दिन और जिस समय वैक्सीन लगाया जाना है, उनको कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा सूचना दी जाएगी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने बताया। रायसेन संवाददाता अली हसीन की रिपोर्ट। किस तरीके से व्यवस्था होना और प्रदेश में किस तरीके से प्रोग्राम चालू हो रहा है? वैक्सीन जो आने वाली है, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां करके रखी हैं। अभी पिछले 3 तारीख को हम लोगों ने वहाँ पर भोपाल में 3 स्थानों पर ट्रायल की गई थी, ड्राई रन किया गया था। अब कल की तारीख में मध्य प्रदेश में पूरे जिलों में, हर जिला में कम से कम 3 जगहों पर ये पूरी ट्रायल की जाएगी, जिससे कल पूरी ट्रायल हो जाएगी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करके रखी हैं, पूरी जो कोल्ड चेन है उसको हमने बना कर रखी है। मध्य प्रदेश के 4 स्टेट लेवल पर हम लोगों ने सेंटर बनाए हुए हैं जो स्टोर के लिए, उसके बाद फिर हर ज़िले पे सेंटर बनाए हैं, और ज़िलों से फिर जहां जो सेशन पॉइंट होगा, हर ज़िले में अलग पॉइंटों की संख्या, जो सेशन पॉइंट हैं वहां की संख्या के आधार पर वहां तैयार किए जाएंगे। जैसे रायसेन ज़िले में 22 पॉइंट बनाए हुए हैं, और हर एक सेशन में 100 लोगों को वैक्सीनेट इन वहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। फर्स्ट फेस में जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनको हम लोग वैक्सीन लगाएंगे। सेकंड फेज जब आएगा, जो फ्रंट लाइन जो वर्कर हैं, जिसमें हम ये कहें कि पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं, नगरीय प्रशासन डिपार्टमेंट के लोग हैं, इसकी ये सूची भी हमको पूरे केंद्र के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी, और रेवेन्यू की जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तैयार किया जा रही है उसको सेकंड फेज में करेंगे। और थर्ड फेज में जो एबव 50 हैं और कोमॉर्बिडिटी वाले, जिनको कोई बीमारी है, जैसे हाइपरटेंसिव है या दूसरी अन्य डायबिटिक है जो बीमारी है, उन लोगों को वो लगाने का मध्य प्रदेश ने पूरी तैयारी कर रखी है। सारा कल पूरा जो हमारा ट्रायल है, पूरा जो ड्राई रन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं भोपाल के कंट्रोल रूम से सब जगह उसका ऑब्जर्व भी करूंगा। आज मैंने इधर रायसेन की जो तैयारी की गई है उसको हम यहाँ पर देखने के लिए आए थे। आप भी टीका लगवाएंगे कोरोना? देखिए, मैं कोरोना पीड़ित रहा हूँ और मैं डायबिटिक भी हूँ। अभी हम जो हमारे जो वर्कर हैं हेल्थ वाले, उन लोगों को पहले हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद जो क्राइटेरिया है उसके बाद सब लोगों को लगेगी। वैक्सीन सभी को लगवाना पड़ेगा? अभी तो देखिए ऐसा है कि सब लोगों को रजिस्ट्रेशन किया गया है, लोग अपने आप पे खुद, हर व्यक्ति लगवाना चाहता है, कौन नहीं चाहता क्या उसको वैक्सीन लगे, वो सुरक्षित रहे, उसको कोरोना ना हो, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं है कि कोई आदमी इससे भागना चाहता। मैं समझता हूँ कि सारे लोगों में
यूपी के सीएम अखिलेश जी ने बोला है कि हम ये नहीं लगवाएंगे टीका, इसलिए मैंने पूछा कि अब उन्हें भारतवर्ष पे या हिंदुस्तान पे भरोसा ही नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। तो सर पहले टीके क्या आप लगवाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, हमारे जो वर्कर हैं हम लोग हेल्थ वर्करों को पहले सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे, उन लोगों को पहले लगेंगे, हम तो सबको लगवाने वाले हैं और जब बाद में हम भी लगवा लेंगे।